आप हिमाचल प्रदेश में असेंशियलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी भूमि अनिवार्यता प्रमाण पत्र। इसके तहत निजी क्षेत्र में निजी या सरकारी भूमि पर उद्योग स्थापित करने के लिए आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये उन निवेशकों के लिए अच्छा है जिन्हें भूमि की आवश्यकता पड़ती है उद्योग क्षेत्र के बाहर। आज हम देखेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने की दो साइटें हैं, एक आप ई उद्यान से कर सकते हैं, दूसरा आप इमर्जिंग हिमाचल की साइट से कर सकते हैं। दोस्तों, जो ई उद्यान की साइट है, इसमें ज़्यादा किसानों पर फोकस किया गया है। इसमें आप बाग की स्थापना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मशरूम की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पॉली हाउस का ऑप्शन भी मिलता है और फूलों की खेती के लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। ये चार ऑप्शन है इसमें। बाकी जो इमर्जिंग हिमाचल वाली साइट है, इसमें और भी अदर ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। आज हम सिर्फ ई उद्यान साइट से देखेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट सब्सिडी के बारे में। ये डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हिमाचल प्रदेश की साइट है, तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर ई उद्यान एचपी सर्च करना है और फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। अब आप डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हिमाचल प्रदेश की साइट पर आ जाएंगे। अब आपको ऊपर जो साइन वाला ऑप्शन है, साइन अप, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है, लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आपने अभी तक लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं बनाए हैं तो आप इस वीडियो को देख के लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं इस साइट पर। उसके बाद आप ई उद्यान के यूज़र पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको ऊपर राइट साइड में न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी स्कीम्स देखने को मिल जाएंगी। जो नंबर वन है पोलिनेशन स्पोर्ट इन बी कीपिंग और फ्रूट नर्सरी का जो ग्रांट के लिए है, इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियोस बनाई हैं, वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाकी आज हम इशुएंस ऑफ असेंशियलिटी सर्टिफिकेट के बारे में जानेंगे। तो जो 5 नंबर की सब्सिडी है, इस पर क्लिक करेंगे आप। दोस्तों, अप्लाई प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेंट की पर्सनल डिटेल डालनी होगी। उसके बाद एप्लीकेंट की एड्रेस डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी होगी। इसके बाद आपको पर्टिकुलर्स ऑफ द लैंड अप्लाइड फॉर डिटेल्स यहाँ पर डालनी पड़ेंगी और लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो हम तीसरे वाले ऑप्शन के ऊपर चलते हैं क्योंकि पहले दो आसान ही हैं। हम तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर पर्पस फॉर विच द लैंड इज़ रिक्वायर्ड हॉर्टिकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर बागवानी संबंधित गतिविधियों में आपको बाग की स्थापना का ऑप्शन मिल जाता है। मशरूम की खेती का है, बागवानी संबंधी गतिविधियों में पॉली हाउस की स्थापना का है और फूलों की खेती का है। आपको जिसके लिए भी असेंशियलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दो के लिए अप्लाई करना है तो आप पहले एक की लैंड की डिटेल्स ऐड करें, उसके बाद सेकेंड की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए देखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना खसरा नंबर डालना है, आपका स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, बिले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी पंचायत वगैरह होगी और एड्रेस डिटेल और पिन कोड नीचे आ जाएगा, नहीं आता है तो आप मैनुअली भी भर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जमाबंदी अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी ज़मीन का पर्चा जो है वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आपको ज़मीन की जानकारी नहीं पता है कैसे निकालनी हिमाचल प्रदेश में, तो आप इस वीडियो को देख के निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे एड लैंड डिटेल्स यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आपने पहले किसी परमिशन वगैरह के लिए अप्लाई किया था तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने किया है तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं किया है तो सिंपली नो पर क्लिक कर दें। यस करते हैं तो नीचे डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ जाएगा कि कब आपने अप्लाई किया था, उसकी डेट वगैरह, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है नीचे सभी डिटेल डालने के बाद। अब दोस्तों, हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट यहाँ पर अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपको अपनी जमाबंदी का पर्चा यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको ततीमा यहाँ पर अपना अपलोड करना होगा। फिर NOC एफिडेविट फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है, NOC एफिडेविट फ्रॉम IPH से है और NOC एफिडेविट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से है। इसके बाद साइट प्लान आपको इसमें अपलोड करना होगा। उसके बाद NOC फ्रॉम MC पंचायत से है। बाकी सेल्फ सर्टिफिकेट चाहिए आपका, एक डिक्लेरेशन वगैरह होगी मेरे हिसाब से कोई। उसके बाद लोकेशन प्लान आपका जो होगा, और 11 नंबर पर आपको कॉन्टोर्स मैपिंग, आकृति का मिलान, ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ये आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाकर पता कर सकते हैं। और लास्ट में आपको आपका पैन कार्ड भी अपलोड करना होगा, अदर कोई डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले आपको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जरूर से जाना है, उसके बाद वो आपको बता देंगी कि अप्लाई करने के लिए कोई अदर डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगेगा और अदर जानकारी। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर से नीचे कमेंट करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टर लाइसेंस के बारे में देखेंगे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप। तो वीडियो कैसी लगी जरूर से नीचे कमेंट करें।